हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक हो गए। वेलकम टू एक न्यू ब्लॉग। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी 5 बजे। मैं नहा के आई हूँ अभी, क्योंकि मेरे को जोत में घी डालना था, तो इसलिए मैं जल्दी नहा ली हूँ। रात को मैं 12 बजे सोई थी और सुबह 5 बजे मैं फिर उठ गई और अब मैं नहा के आई। और अब मैंने पहले जोत में घी डाला, जो जिम जाऊँगी तब तक मुन्नी आ जाएगी और मुन्नी आके झाड़ू पोछा करेगी, खाना बनाएगी 2 घंटे, क्योंकि जोत को अकेला नहीं छोड़ते ना। तब तक मैं जिम में जा आऊँगी, तो 7 बजे जिम में जाऊँगी और फिर 8:30 बजे तक, और आके फिर आरती करूँगी। जिस दिन भी मैं सोचती हूँ ना कि मैं डाइटिंग करूँगी और अब पतली होंगी बिना कुछ खाए, बिना कुछ उसके, उसी दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है। देखो, इसको देख के आदमी रुक जाएगा, कोई नहीं रुकेगा ना। देख लो तो इसको देख के मेरे से भी नहीं रुका जा रहा है। सोच रही हूँ आज कैंसिल कर देती हूँ, कल से डाइटिंग पक्का, आज ये खा ही लेती हूँ, तो इसलिए आज इसको खा लेते हैं, कल से डाइटिंग पक्का। पहले खाओ भाई मोटा जलेबा और उसके बाद जाओ जिम। जितनी कैलोरीज घटेंगी नहीं उतनी तुम लोग खा के आओ और देखो तुम्हारा वजन कितनी जल्दी कम होता है। मैं तो ये ट्रिक अपनाती हूँ, बाकी आप लोग कैसे अपनाते हो देखना। और आज मेरे साथ है 2 दुपट्टे साथ में, ये तो प्री वर्कआउट है बोतल में तो, लेकिन 2 दुपट्टे हैं और इन दुपट्टा का राज आज शाम तक आपके सामने आ जाएगा। क्या शूट करते हैं हम जिम में। हम पहुंच गए हैं भाई घर जिम से। ये मनीष को भी धोना है ढक खोल के। साइड में मोनी भी आ गई है और आप पसीने देख सकते हो। मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है, ऐसी बात नहीं है कि मैं बिना मेहनत करे वापस आ गई। मतलब जितना खा के गई थी मोटा जलेबा उतना तो कम नहीं हुई, बाकी मेहनत पूरी करके आई हूँ अपने अपनी तरफ से। बाकी ट्रेनर तो कहता नहीं है मैं मेहनत करती हूँ, वो तो ऐसे ही बोलते मैडम 4 दिन आते फिर नहीं आते। तो अब इसी के साथ फिर से नहाएंगे, फिर से आरती करते हैं, भोग लगाते हैं। हमारी होगी अभी पूजा, आरती कर दी है, भोग लगा दिया है और अब हम तैयार हैं। मैंने बनाया बादाम का दूध, क्योंकि मैंने जिम से आके कुछ खाया नहीं था, इसलिए बादाम का दूध बनाया। मोनी बना रही है सब्जी, घिया की सूखी सब्जी। ये सब्जी 3-4 दिन पहले बहुत टेस्टी बनाई थी, तो मोनी को ये बोला कि मोनी सूखी सब्जी बना दे, बहुत टेस्टी वाली भाई। और शायद 2-3 बजे आके मैं भी खाना खा लूँ, 2-3 बजे तक सैलून जाऊँगी और 2-3 बजे आके ही खाऊँगी। तब तक इसी से काम चलाएंगे, क्योंकि सुबह जलेबा खा लिया था ना, तो डाइट भी हो जाएगी और कैलोरीज भी पूरी हो जाएंगी। इसलिए तो मिलते हैं अगली लोकेशन पे। आज बहुत सारी वीडियो बनानी है क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, आज वीडियो ख़त्म हो चुकी है सारी, तो आज बहुत सारी वीडियो बनाते हैं। पहुंच गए हैं भाई सैलून के आगे और रोज का यही ड्रामा होता है, कुछ ना कुछ लगा मिलता है, उसको हटाओ फिर गाड़ी लगाओ करते हैं भाई रोजाना, ये सब चीजें लोग लगा के चले जाते हैं, हटाते रहो। पहुंच गए हैं घर भाई, क्योंकि मैंने ली है सब्जी, ये देखो, और ये है नारियल, क्योंकि मेरी जो डाइटिशियन है उसने मुझे खाना खाने से बिल्कुल मना कर दिया है। बोले मैडम आप बहुत वेट बढ़ता जा रहा है आपका, तो आपको खाना नहीं खाना है, सुबह सुबह आपको नारियल का दूध पीना है। तो आज फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, मुझे भी नहीं पता नारियल का दूध बनता कैसे है, लेकिन देखते हैं, क्योंकि जोत भी संभालनी थी इसलिए मैं जल्दी आ गई हूँ 2 बजे। हमारी शाम की पूजा हो गई है भाई, डन। हमारे गणपति की आरती हो चुकी है और इन्होंने खाना भी खा लिया, और आज इन्होंने खाने में खाए हैं मोतीचूर के लड्डू
कल सुबह इनको क्या पसंद है, क्या खाना है कल आपको? कल के लिए कल बताएंगे भाई, आज इन्होंने मना कर दिया, कह रहा आज नहीं बताऊंगा मैं, कल सुबह ही बताऊंगा जब मेरा मूड होगा मेरे को क्या खाना है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे गन्नू के, इन सब की सब जितने भी लोग अपने लोग देख रहे हैं सबकी मुरादें पूरी कर देना, जिन जिन की इच्छा हो ना पापा, पापा वो सारी उनकी परेशानियां ले जाना और उनको बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें दे के जाना। मान लिए भाई गणपति ने आपकी सारी विशेष मान लिए और ये जाते हुए आपकी सारी परेशानी ले जाएंगे और बहुत अच्छी अच्छी जो आपकी विशेष है वो देखे जाएंगे। बोलो गणपति पप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हमारी पूजा भी हो गई है भाई डन, और हमारा डिनर भी हो चुका है, तो अभी गणपति पप्पा को भी गुड नाइट कर देते हैं। और इसी के साथ आप आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक दीजिए, सब्सक्राइब दीजिए। थैंक यू।